गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। यहाँ से आवाज नहीं आया। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? मजे में। मजा। क्या कुछ ज्यादा ही दिवाली हो गया क्या? कुछ ज्यादा ही हॉलीडे हो गया ना, एकदम थक गए हो? क्या किया दिवाली में? चलो शुरुआत करता हूँ, ठीक है? जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लास्ट लेक्चर में हम छोड़े थे, तो कुछ और भी एग्जांपल्स बचे हुए हैं, उसको हम कंटिन्यू करते हैं, राइट? स्वयं यहाँ पे ये नया कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम है और अमोनिया है, इसके साथ छह लिगेंड, मतलब अमोनिया कितना है? छह आयरन, और उसके ऊपर 3+4, तो पता तो है अमोनिया लिगेंड है और क्रोमियम क्या है? मेटल। चलो इसका हम पीवी कैलकुलेट करें, तो पीवी कितना निकलेगा? डायरेक्ट निकालेंगे हम, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। +3। अच्छा अमोनिया का चार्ज क्या होता है? जीरो। न्यूट्रल है, आया ना, जीरो होगा, तो ऊपर का बचा हुआ वही का वही चार्ज आ जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस। चलो sp सेकेंडरी वैलेंस बोले तो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू मोनोडेंटेंट या तो डाइडेंटेंट, आया ना? तो ये अमोनिया मोनोडेंटेंट है, बिल्कुल मोनोडेंटेंट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड कितना देखेंगे? 6, और मोनोडेंटेंट मतलब 1, तो ये क्या हो गया? अब इसका और इसका अगर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो पहले से लिखा हुआ है, आया ना? क्योंकि पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने यही किया था, तो ऐसे ही कुछ आया था एग्जाम। यहां तक तो क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब बताओ ये होमोलेप्टिक की हेट्रोलेप्टिक? होमोलेप्टिक। कैसे पता चला होमोलेप्टिक? एक पे ही टाइप के लिगेंड अटैच्ड है, भले वो 6 है वो बात अलग है, बट लिगेंड सिंगल है। अगर दो अलग अलग लिगेंड आते हैं अमोनिया क्लोरीन, तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। इसलिए क्या है ये? होमोलेप्टिक। चलो ये कॉम्प्लेक्स कटायनिक है कि अनायनिक है? देखो यहाँ पे प्लस है ना, हमें पता चल रहा है क्या है? कटायनिक। चलो इसमें मेटल, मेटल CR, क्रोमियम है, यही है क्रोमियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चा? 24। वेरी गुड, क्या बात है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिगेंड, ये लिगेंड जो है अमोनिया है, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? कैसे पता चलेगा? एन और सी और एन से शुरुआत होने वाला लिगेंड एक्सेप्ट क्लोरीन, आया ना? नहीं तो बोलोगे सर क्लोरीन भी तो सी से शुरू होता है ना, ठीक है ना? और ऑक्सैलेट हो C2O4-, आया ना? राइट, तो सी से CO कार्बोनिल ग्रुप, आया ना? राइट, एन से अमोनिया NH3, इथिलीन डायमाइड, NO2 नाइट्रो, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगेंड। तो लिगेंड यहाँ पे लिगेंड क्या है? अमोनिया है, मैं अमोनिया लिख देता हूँ यहाँ पे, और वो स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगेंड है, आया ना? क्योंकि एन से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगेंड है, देखो यहाँ पे लिखा है SFL, स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगेंड, सुन यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? लो स्पिन होगा, और उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग। देखो पेयरिंग करना है, जब उसकी जरूरत है तो पेयरिंग करेंगे। मतलब देखो अगर मान लो कोई भूखा है, तो उसे भूख लगा है, तो उसके सामने अगर चपाती सब्जी रख दिए तो वो खाएगा, क्योंकि उसे भूख लगा है, राइट? हाँ या ना? मान लो दूसरा एग्जांपल, सामने वाले को भूख लगा ही नहीं है, उसे खाने की इच्छा नहीं है, फिर भी उसका फेवरेट खाना उसके सामने रख दिया गया, राइट, चपाती सब्जी, तो वो खाएगा क्या? वेट, दीदी अपने बारे में बता रही हो? दीदी ने अपने बारे में बताया, मतलब कि खा ले। चलो मान गया, नॉर्मली इंसान नहीं खाएगा, सीधी बात है, जब इंसान की जो भूख होती है तभी वो खाएगा, भूख नहीं होगा तो वो खाएगा ही नहीं, एक्सेप्ट दीदी। चलो तो नेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? अब क्रोमियम है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर बोलते हैं, आया ना? चलो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डालोगे? 35 4s 1 देखो ये 5 है और ये 1, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, आया ना? आया ना? और उसके बाद अब यहाँ पे 3+4 है, 3 है,
कहां से आया बच्चा? ए, ये पीवी है ना, ओएन ऑक्सीडेशन नंबर। इस कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? राइट, प्लस थ्री है ना। एक्स क्या है? ये एक्स है, ये एक्स आया ना। राइट, तो बच्चा मुझे ये बताओ, यहाँ पे थ्री है तो पहले इलेक्ट्रॉन, अच्छा मेरे को एक काम करो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से उड़ाएंगे? एस, जीरो हो जाएगा। और एक गया, आपको अभी भी दो जाना है, तो यहाँ पे बचेगा कितना? थ्री आ गया, आया ना। अब ये थ्री इलेक्ट्रॉन थ्री में फिल कर दो, वन टू थ्री, आया ना। अब मुझे ये बताओ, थोड़ी देर पहले अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बुक लगा है नहीं लगा है, आया ना। अब पता है ना, छह लिगेंड में ऑक्टाहेड्रल आता है, ऑक्टाहेड्रल का ज्योमेट्री क्या होता है? सॉरी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ये है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 या तो d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो उसमें d2 की जरूरत पड़ती है ना, चाहे अंदर का d2 ले लो चाहे बाहर का, हाँ या ना। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो इस कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड देखोगे तो अमोनिया है, अमोनिया क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन होगा, और वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पेयरिंग। राइट, पेयरिंग तब करते जब जगह नहीं रखता है, जब जगह अवेलेबल नहीं है, तो उसको जगह का मतलब है ना, बनाने के लिए हमने मेटल ने क्या किया, मतलब वो जगह बनाने के लिए क्या कर दिया हमने, उसमें पेयरिंग कर दिए। बट बच्चा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अगर डी ऑर्बिटल यही है ना, डी का पांच, इसमें ऑलरेडी दो जगह है एम्प्टी है, तो क्या ये पेयरिंग कराएगा? ये खाना इसके सामने रखा हुआ है, बट इसे भूख नहीं मिली, हाँ या ना, समझ रहे हो ना? यस और नो? तो ये पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन होता ना, फोर्थ वाला, तब हम इसको पेयरिंग करा देते, फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन होता तब हम पेयरिंग करा देते, बट इसको पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दो ऑर्बिटल वैकेंट है, एम्प्टी है इस मेटल का, बोले तो क्या है, डी ऑर्बिटल दो ऑलरेडी एम्प्टी है, हाँ या ना। तो हम यहाँ से दो ले लेंगे, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इसको हम मिक्स कर देंगे, तो डी का कितना ऑर्बिटल मिक्स हुआ? दो। डी का दो मिक्स हो गया, हाँ या ना, डी का दो, एस का एक, और पी का एक, दो, तीन, राइट, डी टू एस पी थ्री। अब यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या मैं फिलअप करूंगा, बताओ बताओ, इलेक्ट्रॉन्स किसके आएंगे? एक अमोनिया कितना इलेक्ट्रॉन देगा? दो, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक देगा ना, तो टोटल छह लिगेंड है ना, तो वन टू वन टू वन टू वन टू, और यहाँ पे भी वन टू, और ये वैल्यू क्या है बच्चा? यही तुम्हारा क्या है, वाई है ना, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, वाई का वैल्यू क्या आएगा? ट्वेल्व, क्या आएगा? ट्वेल्व। देखो याद रखना, यहाँ पे ऑलरेडी अनपेयर था, बट ऑलरेडी यहाँ पे डी ऑर्बिटल दो वैकेंट था, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए भी हमने इसको पेयरिंग नहीं कराया, समझ रहे हो ना, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी दो अवेलेबल है, अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो हम इसको पेयरिंग करा लेते। ये थोड़ा एग्जाम्पल अच्छा वाला है, तुम्हारे बुक में का ही है, समझ रहे हो ना, आया ना। तो बच्चा मेरे को ये बताओ, तो यहाँ पे हमने पेयरिंग तो नहीं कराया, तो मुझे बताओ यहाँ पे एन का वैल्यू क्या आएगा? एन का वैल्यू, एन का वैल्यू निकालने के लिए किसको देखेंगे? मेटल और मेटल, हाँ या ना। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन है। तो बताओ ये d2sp3 इनर की आउटर? डी अंदर है ना, तो ये अंदर की बात है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? d2sp3 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, आया ना। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ ना बच्चा? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी को डाउट है? क्योंकि ऑलरेडी तीन अनपेड था और दो ऑर्बिटल है ना, एम्प्टी था वहां पे, हाँ या ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, बट इसको पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर वो खाली अगर फिलअप रहा होता तो हम पेयरिंग करा देते, समझ रहे हो मेरी बात? तो नेक्स्ट एग्जांपल बच्चा, चलो इयान, इयान, इयान के लिए जेड माइनस एक्स प्लस वाई, तो जेड का वैल्यू, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 24। एक्स क्या आएगा? 3 आया, है ना, एक्स पता है ना यहाँ पे, देखो ये, देखो यहाँ पे ये एक्स है, राइट, और यहाँ पे क्या है, जेड 24 है,
राइट right? और वाई अभी ले आए हमने वाई यहाँ पे नंबर ऑफ व्हाट लिगेंड्स है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया वाई, तो जेड माइनस एक्स प्लस वाई तो एक्स थ्री है प्लस वाई क्या है 12, तो यहाँ पे 24 थ्री 21 प्लस तो क्या हो जाएगा 33। चलो यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे mm मैग्नेटिक मोमेंट n की जगह पे क्या वैल्यू पुट अप करोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 और 3 प्लस 2 क्या होगा 15 आया ना राइट, और 3 का यहाँ पे वैल्यू देखो क्या है 3.87 आया ना बच्चू 3.87 बी एम। देखो ये आंसर निकला है, क्या ये समझ में आया सभी? नेक्स्ट तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, तो मुझे ये बताओ यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक n का वैल्यू क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना 3 है ना आया ना बच्चा, तो मुझे ये बताओ ये पैरामैग्नेटिक होगा क्या होगा राइट ये क्या होगा बच्चा पैरामैग्नेटिक होगा क्या होगा पैरामैग्नेटिक क्या होगा पैरामैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है बच्चा कितना है 3 है आया ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 3 है तो ये पैरामैग्नेटिक राइट। और नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी राइट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सीओ एफ सिक्स थ्री माइनस कॉम्प्लेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द, देखो ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो ये मार्च 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्या बोला है लिखने के लिए, ये 4 मार्क्स बोले एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 22 है राइट, तो ये 22 बोले तो 3 मार्क का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ COF6 3- कॉम्प्लेक्स राइट विथ रिस्पेक्ट टू द, तो ये क्वेश्चन कितने मार्क का है बच्चा 3 मार्क का, समझ रहे हो मेरी बात, 3 मार्क में डिवाइडेड राइट right? इसके ऊपर हाफ, इसके ऊपर हाफ, यहाँ पे भी हाफ है ना, 1.5 हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में रहेगा, क्या रहेगा 1.5 हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में रहेगा राइट right? तो ध्यान देना हाइब्रिडाइजेशन का जो मिक्सिंग करेंगे ना जो ऑर्बिटल है वो सब दिखाना जरूरी है, तो उसके स्टेट पे भी मार्क्स है ये बात याद रखना राइट right? तो वहीं पे 1.5 इस तरह से मार्क्स डिवाइडेड है, इसके ऊपर हाफ, इधर हाफ, इधर भी हाफ है, और 1.5 कहाँ होगा हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल है ना 5135 वाला ट्रिक के मिक्सिंग करके उसके स्टेप पे मार्क्स मिलेगा तुम्हें, तो बच्चा ये ऑलरेडी हमने किया है, क्या डायरेक्टली बता सकते हो याद होगा, देखो मैंने फर्स्ट या तो सेकंड एग्जांपल लिया था इसमें जब मैंने शुरू किया था, इसका हाइब्रिडाइजेशन फ्लोरीन क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट 27 है, चार्ज क्या आएगा 3 प्लस आएगा आया ना, और फ्लोरीन क्या है वीक फील्ड लिगेंड, तो वहां पे फिल अप करो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के अंदर, तो CO का कितना आएगा बताओ मुझे, क्या आएगा बच्चू sp3 पक्का सीओ पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा के बताओ d कितना आएगा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 आया ना राइट 3d7 4s2 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे तो 4s3d6 हो जाएगा आया ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे 1 2 3 4 5 एंड अगेन 6 आया ना राइट, तो यहाँ पे बच्चा ये फ्लोरीन है ना इसके अंदर, तो ये पेयरिंग होगा क्या नहीं होगा, तो हम उसके आगे भी जाएंगे फिफ्थ वाला ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल ले लेंगे, समझ में आया क्या, तो sp3d2 होगा, क्या होगा sp3d2 इसका कॉम्प्लेक्स जो इसकी ज्योमेट्री जो बनेगी ना इसका हाइब्रिडाइजेशन जो तैयार होगा ना वो क्या होगा sp3d2, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हो ना कितना है 1 2 3 4, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या दिखाएगा पैरा मैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक आया ना राइट, फिर इनर की आउटर d2 बाहर है तो सीधी सीधे बात है ये क्या हो गया आउटर आया ना, ज्योमेट्री क्या है ऑक्टाहेड्रल आया ना, बट इतना लिखने पे पूरा फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, इधर हाफ 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 मिल जाएगा, ये भी मिलेगा आधा, बट इसमें वो ऑर्बिटल है ना ये तो मैंने शॉर्ट में बताया, लॉन्ग कट में जैसे अभी मैंने दिखाया ये करना है, समझ में आया बच्चा, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आता है,
समझ गया ना? चलो अब ये हो गया छह लिगेंड, अब आते हैं हम लोग फोर लिगेंड पे। कितने लिगेंड पे? फोर। चलो तो फोर का एग्जांपल ये देखो बच्चा, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन निकल टेट्राक्लोराइड टू माइनस कॉम्प्लेक्स आयरन। चलो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सेम वही पैटर्न यूज करेंगे, राइट? ओके, बट मैं तुम्हारे को टाइम देता हूं कि पहले सॉल्व करो। चलो ट्राई करो। ओके बच्चा साई, ये अगला एग्जांपल है, मुझे ये बता सकते हो इसमें लिगेंड कौन है और मेटल कौन है? मेटल निकल है और लिगेंड सीएल है। वेरी गुड, शाबाश बच्चा। इस बार लिगेंड जरा ध्यान से देखो कितने हैं इसमें? चार है सर। चार है। चलो इसका पीवी निकालते हैं ना, पहले पीवी, पीवी क्या निकालेंगे बच्चा? पीवी निकालते हैं। चलो बताओ कि मुझे इसका पीवी क्या आएगा? प्लस टू आएगा, पता है ना? सॉल्व करेंगे यहाँ पे निकल आएगा, फिर प्लस फोर इंटू सी एल इज इक्वल टू व्हाट? माइनस टू। फिर ये सी एल का चार्ज क्या होता है? माइनस वन होता है। तो निकल माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू। फिर उसके बाद क्या करेंगे? निकल ये माइनस फोर उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस फोर, प्लस फोर हो जाएगा ना, और ये माइनस टू प्लस फोर मिलके प्लस टू। तो निकल का यहाँ पे एक्स का वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर, इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू आ गया, आया ना? चलो और यहाँ पे एस बी निकालेंगे, तो एस बी के लिए क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू व्हाट? मोनोडेंटेट की डायडेंट है, तो कितना लिगेंड है यहाँ पे बच्चा? फोर। फोर इंटू क्या करोगे? वन, वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलो ये फोर और ये टू को ऐड कर दो, इन दोनों का सम क्या होगा? सिक्स होगा। सबस बच्चा, वेरी गुड साइड। अब यहाँ पे बताओ बच्चा, ये होमोलेप्टिक की हेट्रोलेप्टिक? क्योंकि सी एल एक जैसे ही लिखे तो ये होमोलेप्टिक होगा। चलो अनायनिक है कि कटायनिक है? ये नेगेटिव चार्ज है तो अनायनिक। सबस चलो इसमें मेटल कौन है? एनायन। निकल इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा? 28। और यहाँ पे ये जो लिगेंड है कौन है भाई इसमें? सीएल है। सीएल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वीक फील्ड लिगेंड? वीक फील्ड लिगेंड। चलो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो होने से रहा, पेयरिंग नहीं। हाँ चलो नेक्स्ट पार्ट बच्चा, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, किसका? निकल का। चलो बताओ ये 28 है ना, तो क्या लिखेंगे? AR 3D8 4S2। हाँ या ना? 3D8। क्या ये 3D8? चलो कितना इलेक्ट्रॉन डालोगे ऊपर निकल के? ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया अभी हमने कैलकुलेट किया? प्लस टू आया। प्लस टू आया तो यहाँ पे लिखेंगे AR3D8 4S0। आया ना? और डी के लिए ऑर्बिटल लोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, वही 5 नंबर, फिर 1 नंबर और फिर 3 नंबर। पहले देख लो इतने से काम हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे 5 लेंगे, क्लियर है ना? ये बहुत स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन डालना है, 1 2 3 4 5, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ध्यान दो। बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 3 4 5 6 7 8। आया ना? यही हुआ ना, एस में तो कुछ नहीं है, वैकेंट रहेगा। आया ना? ये मेटल की कहानी चल रही है। क्या यहाँ पे लिगेंड अपना स्ट्रॉन्ग है क्या? सीएल स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा क्या? नहीं होगा। तो अब बताओ बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो ना, यहाँ पे लिगेंड टोटल कितने हैं? 4।
तो एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा पेयर में? तो चार के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए? चार मतलब आठ इलेक्ट्रॉन है ना, तो आठ इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल कितने चाहिए? चार। इस बार छह ऑर्बिटल नहीं लोगे, छह कितने में ले रहे थे जब लिगेंड छह रह रहा था? तो छह लिगेंड बारह इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, आया ना, तो उसके लिए जो अगर मतलब पेयरिंग में छह ऑर्बिटल लेंगे ताकि बारह इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सके, बट इस बार सीएल चार है तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे सीधा सीधा ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, चार ऑर्बिटल ले लो, ये तो ले नहीं सकते क्योंकि ये खाली नहीं है, आया ना। और यहाँ पे इसको मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद 1 2 3 4 आया ना, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो, एक दो एक दो एक दो, और यहाँ पे भी एक दो, क्या ये सीएल 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 आया ना, चार सीएल है राइट। और ये तुम्हारा वाई का वैल्यू हो गया, क्या हो गया वाई, तो वाई का वैल्यू टोटल कितना हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, आया ना राइट। और यहाँ पे बच्चा अब इसका ये मिक्स किया तो ये कौन सा ऑर्बिटल था, एस था ना, आया ना, यस और नो, ये एस ऑर्बिटल था, और ये तीन किसके हैं, पी के, तो हमने मिक्सअप किसको किया, sp3 को मिक्स किया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 आया ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है, इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, आया ना। और इसमें इनर और ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस में आता है, छह लिगेंड, चार वाले लिगेंड में नहीं आएगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे यान जेड का वैल्यू क्या था बच्चा, एक्स का वैल्यू क्या था, वाई का वैल्यू क्या था, चलो कैलकुलेट करो, 26 + 8 क्या हो गया, चलो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना निकाले हमने, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे किसको देखोगे, इसको देखोगे, मेटल है, ये मेटल है, और ये क्या है, लिगेंड के है ना, तो मेटल यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो है, तो एन का वैल्यू क्या है बच्चा, दो है, आया ना। और यहाँ पे जब दो का वैल्यू पुट अप करोगे तो 2n2+4 आया ना, और उसके बाद जो भी है तो 2 का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 2.84 आया ना। और नेक्स्ट जाएंगे तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरा मैग्नेटिक की डाया मैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन दो है ना, तो पैरामैग्नेटिक। अब मुझे बताओ बच्चा, यही क्वेश्चन था ना, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन निकल टेट्रा क्लोराइड एंड टू माइनस कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये क्वेश्चन है, कब आया ये, जुलाई 2023, 3 मार्क का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। अब ये पूरा मैंने जो लिखा है वो पूरा नहीं लिखना, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन निकल टेट्रा क्लोराइड टू माइनस कॉम्प्लेक्स आयन। अब एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये देखो, सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स लिखोगे, पीवीएसबी निकाल दो, उसके बाद पीवीएसबी के बाद तुम ये होमोलेप्टिक हिट्रोलेप्टिक नहीं भी लिखोगे, कटायनिक नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट, खाली पीवीएसबी निकालोगे और उसके बाद ये सब नहीं भी करना है तुम्हारे को, हाँ चाहिए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड दिखा दो, ये थोड़ा अच्छा लगेगा राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्बिटल का मिक्सअप है ना, फिर उसके बाद ये वाले पॉइंट पे ये ज्योमेट्री, ये तुम्हारा चाहिए, इधर पे ही मेन मार्क्स है तुम्हारा। इसके साथ क्या क्या लिखोगे, पीवीएसबी लिखोगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल और उसमें हाइब्रिडाइजेशन, और क्या लिखोगे, ज्योमेट्री। और एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये सब नहीं आएगा जब ये पूछेगा तामा, ये मैंने जानबूझ के ऐड किया है। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है रेडी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे एक पार्ट ये वाला जरूर लिखोगे, क्या लिखोगे, पैरामैग्नेटिक, एन का वैल्यू दो है तो ये क्या लिखोगे, पैरामैग्नेटिक, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड, बस इतना लिखोगे। अब इस वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ईआर, ये सब मत लिखना, ये तो मैंने साथ में ऐसे कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे करा दिया, बट ये मत लिखना, समझ रहे हो ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, जब ये पूछेगा तब लिखोगे, मेरी बात समझ में आई सभी को, हाँ या ना, क्लियर है ना। चलो अब इसी बात पे साई को बैठ सकते हो, साई यहाँ पे सीएल को चेंज कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे इस बार सीएल को चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना,
और यहाँ पे मैं N लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ N, CN4 चेंज कर दिया, CL वीक फील्ड लिगेंड है, अब साइनाइड क्या होगा, मिसाली खड़ी होता है, अब CN क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा मुझे ये बताओ इसका PV और SB निकालेंगे और ये सम ऑफ PV SB वही होगा, सब कुछ एज इट इज होगा बच्चा, कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि CN का भी चार्ज वैल्यू क्या होगा माइनस वन, कैलकुलेट करके इसका भी पीवी क्या होगा प्राइमरी बैलेंस प्लस टू, एस बी क्या होगा फोर, हाँ या ना, और दोनों का सम करोगे तो सिक्स होगा, हाँ या ना। होमोलेप्टिक की हेट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक, अनायनिक की कटायनिक, अनायनिक, मेटल निकल है वही एटॉमिक नंबर है, सीएल अब यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा राइट। अब इस बार हमारे पास इस कहानी में लिगेंड क्या है सी एन, क्या है सी एन, क्या है बच्चा CN, ये CN है और ये वीक फील्ड लिगेंड की स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पे क्या होगा लो स्पिन होगा, ये पॉइंट लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ना। नेक्स्ट अब यहीं पे कहानी में मजा आएगा, क्या करेंगे सब कुछ एज इट इज, अब इसके बाद यहाँ पे चेंजेस देखोगे देखेंगे आप, यहाँ पे कहाँ पे बच्चों, ये अब मुझे ये बताओ क्या करेंगे बताओ, पेयरिंग करेंगे हाँ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, ये ऑर्बिटल ड्रॉ करना पड़ेगा हाँ। और ये यहाँ पे इस तरह से, और ये भी यहाँ पे क्या होगा इस तरह से। चलो अब यहाँ पे ये वन टू, ये वन टू, ये वन टू ऑलरेडी पेयरिंग है ना, तो ये इधर आ गया, आया ना, देख रहे हो ना बच्चा, ये वन टू, अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल क्या हो गया एम्प्टी हो, समझ रहे मेरी बात। चलो अब यहाँ पे एम्प्टी हो गया तो हम मिक्सिंग करेंगे, किसको मिक्स करोगे, इसको एक ले लो और यहाँ पे दो ऑर्बिटल लोगे हाँ। क्योंकि कितने ऑर्बिटल की जरूरत है हमारे को, चार, क्यों लिगेंड कितने हैं चार है, तो यहाँ पे एक एस का लिया, ये सॉरी ये डी का लिया, ये क्या है डी का है ना, ये डी ऑर्बिटल, और ये एस का ऑर्बिटल है, और ये पी का कितना लिया, तो यहाँ पे अब मैं इलेक्ट्रॉन फिलअप करूंगा, तो यहाँ पे वन टू वन टू वन टू वन टू, कौन है यहाँ पे सीएन है, सीएन है, सीएन है, और यहाँ पे भी क्या है सीएन, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा राइट, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसके वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ पेयरिंग हो गया, समझ में मेरी बात को, हाँ या ना, तो वाई का वैल्यू निकल गया, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा डी एस पी टू, क्यों मैंने ये नहीं लिया, क्योंकि पांच पांच ऑर्बिटल हो जाते, जगह जितने की भूख है उतना ही खाएंगे ना, जितनी भी उसकी भूख है उतना ही आएगा, आठ इलेक्ट्रॉन है तो आठ इलेक्ट्रॉन लिए चार ऑर्बिटल, यस और नो दीदी, समझ रही हो ना बात को, एक्स्ट्रा नहीं चलेगा यहाँ पे, हाँ दीदी ठीक है बच्चू, तो यहाँ पे ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा डीएसपी टू क्या होगा डीएसपी टू होगा, और इसका ज्योमेट्री क्या होगा बच्चा स्क्वायर प्लेनर, और उसके बाद ये सब कैलकुलेट करोगे यहाँ पे क्या होगा वही आएगा आंसर, ये तो सेम आएगा, और इस बार अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या उसमें, मेरे को ये बताओ पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक बच्चा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, किसको देखोगे, इसको देखोगे कि इसको देखोगे, इसको देखोगे ना, तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो पैरामैग्नेटिक था सीएल निकल टेट्राक्लोराइड, और निकल टेट्रा साइनाइड क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या डालोगे, यहाँ पे डायमैग्नेटिक होगा, क्या होगा डायमैग्नेटिक, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होगा तो बच्चू इसका अंदर का वैल्यू क्या आएगा
क्या आएगा? जीरो है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। क्या ये सभी को क्लियर होगा? पेज नंबर 201, 200 टेक्स्ट बुक में 201, 202, 203 और साथ में इसका लिमिटेशंस पार्ट, राइट? आया ना, तो लिमिटेशंस भी पढ़ लेना, राइट? क्लियर है ना बच्चा? तो ये सब हो गया तुम्हारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ, स्टार्टिंग के पेज में 201 पे तुम्हारे को कुछ इसके है ना स्टेप्स दिखाया लिखा हुआ मिलेगा, राइट? मतलब थ्योरेटिकल पार्ट में, तो वो थ्योरी भी रीड करके रखना। वही हाइब्रिडाइजेशन एस का और पाइटल डी का पी का मिक्सिंग करके हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, फिर उसकी ज्योमेट्री, राइट? फिर वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, वही सब थ्योरेटिकल दिया हुआ है। और लास्ट में लिमिटेशन दिया हुआ है, तो लिमिटेशंस में भी कलर के कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है, राइट? और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से वो ना एक्सप्लेन करके वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को भी इन्वॉल्व किया है, तो ये सब पॉइंट दिया है, ये पढ़ के लोगे, समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट था क्रिस्टल फील्ड, सॉरी, ये कॉन्सेप्ट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोई डाउट किसी को? नो डाउट? यस बच्चा, यहाँ पे डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, राइट? तो देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और व्हाट मोर स्टेबल कंपाउंड इन व्हाट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कैन गिव टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, नेमली डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल तुमने प्रैक्टिकल लैब में सुना होगा, मोहर सॉल्ट, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, किया है ना प्रिपरेशन, उसको मिक्स किया होगा, आया ना? यस और नो बच्चा? राइट, तो देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट और क्या है अमोनियम सल्फेट और प्लस उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल चिपका हुआ है, आया ना? समझ रहे हो, इसके अंदर दो कंपाउंड को मिक्स किया गया है, राइट? और उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी आओगे तो उसमें भी क्या आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। तो जो डबल सॉल्ट होता है ना, डबल सॉल्ट ध्यान रखना, डिस्टिंग्विश करके दे रहा हूं पॉइंट। यहाँ पे पहला पॉइंट है इक्विमोलर प्रोपोर्शंस, मतलब डबल सॉल्ट में क्या होगा कि दोनों, जैसे कि फेरस सल्फेट डाला और अमोनियम सल्फेट डाला, तो दोनों इक्वल अमाउंट में ऐड करेंगे, राइट? और जो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो वो इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, राइट? दूसरा पॉइंट है इट एग्जिस्ट ओनली इन द व्हाट सॉलिड स्टेट। मोर सॉल्ट किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म, आया ना? और ये एग्जिस्ट होगा सॉलिड में भी और क्या होगा, एक्वस में भी होगा। कौन? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। बट जैसे ये सॉलिड को, डबल सॉल्ट को तुम वाटर में डालोगे एक्वस मीडियम में, हाया ना, वाटर में, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। किसके अंदर? डबल सॉल्ट। इसके अंदर बॉन्ड आयोनिक ना होके क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स है ना भाई, आया ना? तो ये जैसे ही वाटर में डालोगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर जाता है, लूज कर जाता है। और ये डिसोसिएट क्या होगा, मे और मे नॉट बी व्हाट, क्या होगा, कंप्लीटली ये अपनी, मतलब ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा। तो ये अपनी आइडेंटिटी, जैसे ये डबल सॉल्ट क्या करता है, आइडेंटिटी लूज करता है, बट ये आइडेंटिटी क्या करेगा, रिटेन करेगा, क्या करेगा, लूज नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे आर व्हाट आयोनिक कंपाउंड एंड दे मे और मे नॉट बी व्हाट आयोनिक, तो कौन सा बॉन्ड होगा इसके अंदर, कोऑर्डिनेट, क्या होगा, कोऑर्डिनेट। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे डबल सॉल्ट के लिए और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए एग्जांपल दिया है। डबल सॉल्ट में तुम एग्जांपल डाल सकते हो मोहर सॉल्ट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर। एक कार्नलाइट भी है, देखो यहाँ पे देख रहे हो, केसीएल, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी एग्जांपल डबल सॉल्ट का आ गया, हाँ या ना? और नीचे यहाँ पे देखो पोटेशियम पेरोसाइनाइड वाला एग्जांपल दिया हुआ है, किसमें, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डन, दिस इज डबल सॉल्ट एंड व्हाट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, काफी इंपॉर्टेंट है, आया भी है पेपर में, राइट? पहले, हाँ या ना, जब सिलेबस नहीं चेंज हुआ है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है, राइट? अभी तक ये नजर से दूर है तो क्या पता आने वाले टाइम में यही पूछ दे। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन, तो तुम सीधा सीधा ये बुक का भी पॉइंट लिखोगे तो काफी है। इसमें भी देखो वही लिखा, आयंस और डिसोसिएट और आइडेंटिटी लूज करेगा और वो एक रिटेन करेगा। डन, चलो नेक्स्ट बच्चा, यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है? ये प्रॉब्लम देखो यहाँ पे, ये प्रॉब्लम दिख रहा है तुम्हारे को, लिखा है वन मोल ऑफ पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स COCl3
एंड अमोनिया ऑन ट्रीटमेंट विद व्हाट एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट. वापस से मैं रीड कर रहा हूँ. वन मोल ऑफ पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स COCl3 एंड अमोनिया ऑन ट्रीटमेंट विद व्हाट एक्सेस AgNO3 प्रोड्यूसेस टू मोल्स AgCl. क्या बोल रहा है? AgCl दो. फिर राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इज अ 6. CO इज अ 6. ध्यान देना बच्चा. तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं. क्या बोला है? वन मोल ऑफ पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स COCl3 दिया हुआ है. अमोनिया ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूसेस टू मोल ऑफ AgCl. And write the formula of complex if the coordination number CO is what? 6. Hello. क्या दिया है बच्चा? CO कितना दिया है? 6. मतलब complex के साथ जो ligand है ना, कितना दिया है? 6. Ligand कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए. ऐसा कुछ बनना चाहिए. ध्यान रखना. Silver nitrate जो है ना, वो excess है. Silver nitrate क्या है? ये excess. तुमने प्रैक्टिकल लैब में इसको यूज किया होगा. हैलाइड वाले केस में जब तुमने सॉल्ट एनालिसिस किया होगा एसिडिक रेडिकल कार्बोनेट और क्लोराइड के टेस्ट में. क्लोराइड के टेस्ट में जैसे सिल्वर नाइट्रेट डाला होगा तो हमारे को देखो व्हाइट पीपीटी जनरेट हुआ. तो ये सिल्वर नाइट्रेट जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है सीएल के साथ, तो ये बात याद रख लेना, ये AgCl बनाएगा. क्या बनाएगा? AgCl. और ये व्हाइट पीपीटी देगा. क्या देगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट. बट जैसे ही यहाँ पे मैं बी आर ले लूंगा, क्या ले लूंगा? बी आर. राइट. तो बी आर के साथ अगर बी आर आयन्स है तो ये जी क्या बनेगा? बी आर बनेगा. और यहाँ पे लाइट येलो कलर क्या आएगा? लाइट येलो. और अगर जहां पे मैंने आई लिया तो ये ए जी आई बनाएगा. क्या बनाएगा? AgI. और ये क्या होगा? डार्क येलो. ध्यान में रखना ये सिल्वर नाइट्रेट है ना, ये एक्सेस होगा. बट ये सिल्वर नाइट्रेट इस कॉम्प्लेक्स के बाहर जो आयंस हैलाइड होगा ना एक्स, ये एक्स को ही खेलेगा. अगर ये एक्स सिंगल है, एक्स मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर एक सिंगल है तो एक AgCl बनेगा. अगर मान लो यहाँ पे दो दो है, एक्स टू है, तो क्या हो जाएगा? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दो Cl है तो यहाँ पे फॉर्म होगा 2AgCl. क्या फॉर्म होगा? अगर तीन है तो क्या होगा? 3AgCl. अगर Br है तो एक Br तो AgBr, दो Br होगा बाहर तो 2AgBr. मान लो इसके अंदर भी अगर Cl है और दो बाहर है तो सिल्वर नाइट्रेट किसको खेलेगा? बाहर वाले आयंस को. वो अंदर स्पीयर के अंदर वाले आय है ना, लिगेंड के साथ नहीं खेलेगा. किसके साथ खेलेगा? बाहर. That call what counter ion. याद है ना तुम्हारे को? Ionization sphere. Ions के साथ खेलेगा. Silver nitrate किसके साथ treat होगा? Ions के साथ. तो वो देखो कि ions कितना है बाहर. अगर दो है तो 2AgCl, तीन है तो 3AgCl. समझ रहे मेरी बात? तो देखो ये क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि CO is a 6. मतलब coordination number of CO is a what? 6. उसके साथ ligand कितने होना चाहिए? 6. Right? और बोलता है वन मोल ऑफ पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स COCl3 एंड अमोनिया ऑन ट्रीटमेंट विद व्हाट एक्सेस AgNO3 प्रोड्यूसेस टू मोल ऑफ AgCl. कितना मोल बोल रहा है? दो AgCl. कितना बोल रहा है? तो दो. ये देखो तो 2AgCl बोल रहा है. ध्यान में रखना बच्चा, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना. अब मेरे पास COCl कितना दिया हुआ है? CO दिया है ना, कोबाल्ट. और उसके साथ सीएल कितना दिया है बच्चा? तीन दिया है. और साथ में क्या दिया है? अमोनिया दिया है. आया ना? और बच्चा सिल्वर नाइट्रेट तो ये एक्सेस है. चलो मैं इसको रिकॉर्ड बनाता हूं. इसके अंदर मैं क्या रखूंगा? मेटल कौन है? सीओ. सीओ रख दिया मैंने, सीओ मैंने रख दिया अंदर. राइट. बाहर उसने क्या बोला है? दो AgCl. तो मेरे पास सीएल कितना दिया है? तीन दिया है. तो मैं दो सीएल यहाँ पे ऑलरेडी रख देता हूँ. अब बचा यहाँ पे सीओ, तो मैंने यूज कर लिया. तीन सीएल में से दो सीएल यूज हो चुका है. एक सीएल को मैं कहाँ अंदर चिपका दूंगा? कहाँ चिपकाऊंगा? अंदर. और साथ में क्या दिया है? अमोनिया. तो यहाँ पे अमोनिया. अब कितना अमोनिया डालूंगा यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए? क्या बोला मैंने? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मांग रहा है ना. ये देखो ना,
ये तो कौन है बच्चा? CO is a like coordination number of CO is a 6. तो बोल रहा है कि 2Ag, 2. ये देखो यहाँ पे 2 moles of what? 2 moles of AgCl. तो मैंने और यहाँ पे COCl उन्होंने दिया है, COCl 3 दिया है. और यहाँ पे excess AgCl होती है और साथ में अमोनिया दिया है. तो अमोनिया भी क्या होगा? Excess. आया ना? तो बच्चा यहाँ पे बाहर मैंने Cl 2 रखा क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा तो सीधा सीधा यहाँ पे 2AgCl बन जाएगा. लो 2 मोल आ गया. 2 मोल ऑफ व्हाट? 2 मोल ऑफ AgCl. हाँ या ना? ये तो बैलेंस हो गया. तो COCl 3 में से मैंने 2Cl तो यहाँ पे लिख दिया तो बचा 1Cl और 1CO. तो CO तो मेटल है, वो तो अंदर रखा और 1Cl मैंने अंदर लिख दिया. फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए तो अमोनिया में कितना बैलेंस करोगे? 5. वेरी गुड. 5 लिगेंड ये अमोनिया का और 1 लिगेंड CL. ये हो गया हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. क्या हो गया? समझ में आ गया? तो ये कॉम्प्लेक्स मेरा बन गया जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. देखो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो 6 ही आएगा ना. आया ना? यस और नो? सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? चलो इसी बात पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो. चलो इस बार लिखा है 1 मोल ऑफ ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ COCl3. सेम वही कहानी है. अमोनिया ऑन ट्रीटमेंट विद और एक्सेस ऑफ AgNO3 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ AgCl. तो तुम समझ गए होगे, मैं आगे नहीं बोलूंगा. तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स? फार्मूला बोल रहा है और जिसका CN ऑफ CO इज व्हाट? 6. अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मांग रहा है? 6 मांग रहा है. तो बताओ इसका फार्मूला क्या आएगा? यहीं पे लिखता हूँ. बताओ CO आएगा? CL बाहर. उन्होंने क्या बोला? एक मोल बोला है. तो एक CL बाहर, तो अंदर कितना CL? दो. और अमोनिया कितना? NH3 4. और 1 मोल ऑफ AgCl. खत्म. समझ में आया? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. क्लियर हुआ बच्चा सभी को? तो बस कहानी यहीं पे स्टॉप करूंगा आज के लिए. तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू और पढ़ाई करना चालू रखो. तुम लोग पढ़ाई बहुत कम कर रहे हो, ऐसा लग रहा है बहुत थक गए हो. ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, बोर्ड पीछे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज और साथ में PYQ क्वेश्चंस बोर्ड में जो पूछे वो प्रैक्टिस करो और हर एक पेजेस को अच्छे से रीड करने का, पेज टू पेज चलने का, पेज में बुक में से ही अच्छे से क्वेश्चंस उसके शॉर्ट नोट है ना, वो उसमें स्टिकी नोट्स को यूज किया करो. समझ रहे हो ना? जो पॉइंट तुम्हें अच्छा लग रहा है तो वो टेक्स्ट बुक में वो वहां पे ऐड कर दिया करो. इस तरह से अपना नोट्स बनाओ. ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक को रिफर करो, मैं यही बोलूंगा तुम्हें. थैंक यू एवरीवन. बाय. टाटा.